हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम एल और आर पैरेलल में ज्वाइन हो एसी सोर्स के साथ, तो क्या हालचाल है ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 14 में मैंने आपको बताया था कि एल एंड आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड एसी सोर्स के साथ, ठीक है। तो क्या सीन हुआ था, आप सबको, आप सब जानते हो है ना, उसके मैं यहाँ पे सब लिख रखता हूँ तो आपको जिससे पता चले। सीरीज में हो तो आप जानते हो जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, फिर टेन फाई का कुछ वैल्यू आया था एक्सएल अपॉन आर, फिर कॉस फाई का कुछ वैल्यू था जेड अपॉन आर, फिर साइन फाई था कुछ एक्सएल अपॉन जेड, ऐसा कुछ। हाँ, एक मिनट रुक जा, रे रुक जा, हाँ आर अपॉन जेड, सॉरी। तो फिर एक्सएल आर से आर गया जेड, ठीक है। ये था, इतनी बातें दोस्तों हमने सीरीज में पढ़ी थी, ठीक है, इतनी बातें हमने सीरीज में पढ़ी थी। तो आज आपके लिए ऐसे ही इच्छा हो गई कि चलो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे। तो एल और आर अब पैरेलल में ज्वाइन हो तो क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों। ठीक, L एंड R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। अब जब L और R पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, थियरी नहीं है, आपको कुछ एग्जाम में लिखना नहीं है, खाली ऐसे समझाने के लिए, ठीक। तो दोस्तों, इसका मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ, शांति से ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए, पहले तो L और R दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी होगी, सेम चीज़। जैसे सीरीज में थे तो सेम क्या होता है, करंट, करंट सेम होता है, याद है आपको कुछ? हाँ, ये एल और ये आर, दोनों में से आई जाता था तो आई करंट हम सेम लेते थे। सर दोस्तों, जब पैरेलल होता है तब करंट सेम नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो दोस्तों, वोल्टेज को ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज समवेयर हियर, हाँ, तो उस टाइम आर में जो बहने वाला वोल्टेज और L में बहने वाला वोल्टेज वो सेम होता है, R का वोल्टेज और V L का वोल्टेज, ठीक है। अब दोस्तों, पहले R की बात करूँ तो वोल्टेज तो आ गया, तो I क्या होगा? तो आप जानते हो सर, जब ओनली R होता है, R की बात करूँ मैं, तब I और V सेम होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे लिए मैं I कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, आई आर, ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। अब आपको पता है जब ओनली L होता है तो ओनली L के बारे में आपको पता है, V यहाँ पे होता है VL, तो I यहाँ पे होता है, मतलब कि ओनली L में क्या होता है, V पाई बाई टू जितना आगे होता है तो I पाई बाई टू जितना पीछे होता है। तो देखो, VL यहाँ पे है तो IL कहाँ, IL कहाँ पे बनाऊँगा, पाई बाई टू जितना पीछे बनाऊंगा, ये हो गया IL, ठीक है। चलो, इसका अब हम ड्रॉ करेंगे, ये रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट क्या आएगा, I आएगा, ठीक। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये इतना लेंथ IL है, ये क्या शो करता है, IL का वैल्यू, मैक्सिमम IL, तो यहाँ पे भी IL लिख सकता हूँ, ये IR है तो ये भी IR लिख सकता हूँ, ये I और V के बीच का एंगल कितना, फाइव, ठीक है। सब लास्ट थियरी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों, पाइथागोरस के थियरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अब क्या देख पा रहे हो, पाइथागोरस में देखिए, ये 90 दिख रहा है मुझे, तो ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस, ये सामने वाला, ये पास वाला, ठीक है। तो देखिए, आई स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, हो गया ना, ये साइड कौन सा है, आई आर, ये है आई एल, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू
आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। आई मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई एल मतलब वी स्क्वायर अपॉन एक्स एल स्क्वायर, हाँ ये दोनों में सेम वोल्टेज है ना, ठीक है, ओके सर, चलिए ठीक है। देखो दोस्तों v कॉमन निकाल रहा हूँ, वी स्क्वायर एक्चुअली में कॉमन आ रहा है, लेकिन रूट के बाहर आएगा तो v हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एल स्क्वायर, ओके सर, नो इश्यू। v इज इक्वल्स टू i अपॉन, शांति से देखिएगा, ओके सर। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करोगे v इज इक्वल्स टू आई आर के साथ कंपेयर करो, तो दोस्तों v इज इक्वल्स टू आई आर, क्या काम कौन कर रहा है, पूरा ये, तो इस केस में रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, ये मतलब इम्पीडेंस। तो दोस्तों यहाँ पे z इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्सएल स्क्वायर, ये आ रहा है। सो z इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ रहा है आपका z दोस्तों, ये पैरेलल की बात है इसलिए, ठीक है ना, जे डबल ई में आपके काम में आएगा। क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक, डन। तो दोस्तों यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आई जेड ऐसा लिख सकता हूँ, Z इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पूरा इम्पीडेंस इतना Z, तो V इज इक्वल्स टू आई जेड। कभी कभार आप ऐसा भी लिख पाते हो, आपको याद है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस इन टू जेड, ये सारी थियरी में आप लिखते ही आए हो, ठीक है सर, गुड, नॉट बैड, ठीक, आ जाओ चलो। अब दोस्तों मैं टेन फाइव की बात करता हूँ, टेन फाइव, तो देखो ये 90 का एंगल बन रहा है, टेन फाइव, सामने वाला अपॉन पास वाला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट में कौन आई एल, एडजेसेंट में कौन आई आर, आराम से कोई उतावल नहीं है। आई एल का मतलब होता है दोस्तों वी अपॉन एक्सएल, आई आर का मतलब होता है वी अपॉन आर, वी वी गॉन, आर ऊपर चला जाएगा। बोलो कितना इजी कर दिया दोस्तों कैलकुलेशन मैंने, अब आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है मैंने बोला था मैं उधार है मेरा, उधार है टेन फाइव, याद है लास्ट थियरीज में बोला था मैंने, ये हो गया सॉल्व। अब अपने हिसाब से अगली जो थियरीज में टेन फाइव मैंने ढूंढा नहीं था, डायरेक्ट लिखा था, वो आप आपके हिसाब से ढूंढ लेना, ठीक है, टेन फाइव। फिर कॉस फाइव इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट में क्या है आई आर, हाइपो में क्या है आई रिजल्टेंट, आई आर का मतलब होता है वी अपॉन आर, I resultant का मतलब ये रहा, I resultant का मतलब V upon Z, V V gone Z by R, cos phi। फिर आप उस्ताद हो दोस्तों, tan, cos और sin के relation पर से आप find कर पाओगे, sin क्या होता है, इतना easy काम करके देता हूँ दोस्तों, फिर भी आपको पता नहीं, नहीं नहीं आप response तो करते हो यार, मेरे वीडियो थोड़े लेट सेट आ जाते हैं, बाकी तो जोरदार, कोई टेंशन नहीं है। जेड अपॉन एक्सएल, सॉरी 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 सॉरी, साइन अल्फा, तो ये रहा दोस्तों। बोलिए कहाँ दिक्कत है मुझे बता दीजिए। तो फिर यार, तो पैरेलल में होता है तो जेड ये रहा, टेन फाइव ये रहा, कॉस फाइव ये रहा, साइन फाइव ये रहा, बोल फाइव है क्या एक्चुअली में, तो लिख ले फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है ना, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ एल आर विथ एसी सोर्स है ना। चल ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, दिख रहा है क्लियर पूरा, आज जिगा तुझे मेरा वाला डांस, यह चल ठीक है।